नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं जुबली पोस्ट। कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस खतरनाक हो गया है। इसको लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, लगातार बैठक कर रही है, लेकिन सूबे का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बड़ी लापरवाही कर रहा है। देवरिया से लेकर गोरखपुर में सूबे के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। देवरिया का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो को देखकर स्वास्थ्य विभाग शर्मसार हो गया है। वीडियो पर गौर करें तो देखा जा सकता है कि महिला और उसका मासूम बच्चा अपने बुजुर्ग परिजनों को स्ट्रेचर पर खींचते हुए नजर आ रहा है। माँ उस स्ट्रेचर को आगे खींच रही है और वही उसका 4 वर्ष का बच्चा पीछे से धक्का दे रहा है। दोनों इस मरीज के डॉक्टर को दिखाने के लिए वार्ड ले जा रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि देवरिया में स्ट्रेचर को धक्का लगाता या बालक असल में उत्तर प्रदेश की पंचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को धक्का लगा रहा है। सरकार को इसे सबक के तौर पर लेना चाहिए और पंचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को नागरिक हितों में तत्काल दुरुस्त करना चाहिए। इससे पहले गोरखपुर के BID कॉलेज के कोविड सेंटर में पानी भर जाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वायरल वीडियो को ट्वीट कर इसे CM के गृह क्षेत्र की हकीकत बताया है। दूसरी ओर बरेली में राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट के बेड के बीचों बीच बारिश का पानी का पाइप फटने से लगातार झरने की शक्ल में पानी गिरने लगा। ये सारी घटनाएं कोरोना वायरस को लेकर जो इशारा कर रही है कि सूबे का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो योजनाएं बना रहा है, वो केवल कागज पर ही दिखाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जुबली पोस्ट से बने रहें।